नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह। आज मथुरा के नंद बाबा मंदिर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे हर कोई हैरान है। दरअसल ये जो घटना है वो मथुरा के नंद बाबा मंदिर की है, जहां नमाज पढ़ने की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ लोगों ने यहां पर नमाज पढ़ा है। इस पूरे मामले को लेकर के 4 लोगों के खिलाफ बरसाने थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया, FIR लॉन्च किया गया है। कौन है ये लोग और वो इस कारनामे पर क्या सफाई दे रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अगर मस्जिद में जय श्री राम गूंजा होता तो कठमुल्लों ने बवाल काट दिया होता, कट्टरपंथी इस्लाम के खतरे में होने का ढोल पीट रहे होते। लेकिन फिलहाल सब शांत है। शांत हैं वो तमाम तथाकथित बुद्धिजीवी जो छोटी छोटी बातों पर सड़कों पर उतर जाते हैं। शांत है वो बड़ा तबका जो सेक्युलर भारत का ढोल पीटता है, और शांत है बातों का बतंगड़ बनाने वालों के तमाम। लेकिन गुस्सा काफी है। सबसे पहले जरा गौर फरमाइए इन तस्वीरों पर। दरअसल ये मथुरा के बरसाना के नंद बाबा का मंदिर है, जहां दो लोग मंदिर के परिक्रमा स्थल में नमाज पढ़ रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने, ये एक मंदिर है और मंदिर में नमाज अदा की जा रही है। मंदिर भगवान श्री कृष्ण का है, लेकिन सारी दुनियादारी को भूलकर यहां अल्लाह की इबादत की जा रही है। अभी हाल ही में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में विवाद हुआ है, ऐसे में ऐसी तस्वीरों का सामने आना हैरान करता है। नमाज खत्म हुई तो मंदिर के पुजारी खुद इनसे मिलने पहुंचे। नमाज अदा करने वाले शख्स ने अपना नाम फैजल खान बताया और कहा कि एक मनोकामना लेकर वो 84 परिक्रमा पर निकले हैं। 84 को उस पर निकले हम, ये मनोकामना लेकर 4 लोग निकले थे। मेरा नाम है फैजल खान। मंदिर के पुजारी बड़ी शिद्दत से मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनते रहे, और फैजल खान उन्हें राम और कृष्ण से लेकर खुदा के प्रेम रस में डूबी बातें सुनाते रहे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हसो जान अनहार। तो प्रेम है, यही धर्म है। देखिए आप उद्धव, आप तो इतने ज्ञानी हैं, उद्धव और रसखान में क्या था, उद्धव और श्री कृष्ण, उद्धव कहते थे ज्ञान सब कुछ है, श्री कृष्ण ने फिर उनको समझाया, और यही इस्लाम धर्म में भी है। प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा खैरुन्नास, सबसे बढ़िया इंसान कौन है, तो आपने ये नहीं कहा जो टोपी लगाए जो दाढ़ी के, मैं यन फाउन्नास, जिससे इंसानों को अधिक फायदा हो वो अच्छा है। ऐसे में सवाल उठता है कि मंदिर में नमाज कहां तक जायज है और फैजल खान ने ऐसा क्यों किया। जरा सुनिए इनकी ही जुबानी। धर्म अगर सत्य है तो वो जुड़ेगा, और अगर उसमें वो धर्म के नाम पे मैं मस्जिद जाने के बाद और संकीर्ण हो रहा हूँ, तो फिर मेरी मस्जिद को बुलेशा कहते ढा दो, मंदिर ढा दो, मस्जिद ढा दो। जैसे एक अस्पताल है उसमें आदमी सही होने जाता है, तो धर्म का यही जो सच्चा रूप है वो ये है कि आपने एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे की करुणा, एक दूसरे की तकलीफ, इसको बर्दाश्त कर। जैसे श्री राम और श्री कृष्ण का रास्ता है, ये तो पैगंबर है। कोई मुसलमान भी मुझसे पूछता है आप क्यों निकले हैं, ये तो पैगंबर है श्री कृष्ण। यही वो मीठी मीठी बातें हैं जो फैजल खान और उन जैसे तमाम लोगों के कारनामे पर पर्दा डालने में अहम भूमिका निभाती हैं। अब जरा पुजारी की बड़पन देखिए, देखिए इस पुजारी की सहनशीलता। बातचीत जब खत्म हुई तो पुजारी ने उन्हें एक दिन और रुकने को कहा और उन्हें प्रसाद भी दिया। मामले को लेकर बरसाना थाने में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सफर पर हैं और ढूंढ रहे हैं खबर, खबरों में ढूंढ रहे हैं अपना शहर। टॉप न्यूज, ब्रेकिंग और हर अपडेट तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, हिंदी के साथ 5 भाषाओं का पंच, सबसे नया, सबसे अनूठा न्यूज ऐप, बस एक क्लिक दूर। जी हिंदुस्तान डाउनलोड करें और बाखबर रहें।